हाय एवरीवन एंड वेलकम टू अपना कॉलेज। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमेज़न वेब सर्विसेज यानी AWS के बारे में। अब इस वीडियो के अंदर हम कवर कर रहे होंगे कि AWS है क्या, इसे सीखना कैसे, उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या रहेगा, प्लस कुछ ट्यूटोरियल्स के मैं आपके साथ लिंक शेयर कर रही होंगी। उसके साथ साथ बात करेंगे कि AWS इतना पॉपुलर क्यों है। सबसे पहले बात करते हैं कि अमेज़न वेब सर्विसेज का मतलब क्या है। AWS से पहले हमें पता होना चाहिए कि क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज क्या होती हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में मैंने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, या तो हम उसको जाकर देख सकते हैं, नहीं तो बेसिक मतलब ये होता है कि दुनिया के अंदर जितनी भी कंपनी जो टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करती है, फिर चाहे वो छोटा स्टार्टअप हो या बड़ी कंपनी हो, उन सबको कंप्यूटर्स की जरूरत पड़ती है अपने कुछ काम करने के लिए। जैसे वो काम डेटाबेस स्टोर करना हो सकता है, वो काम बाकी तरीके का वीडियो फॉर्म का, फोटोज फॉर्म का डेटा स्टोर करना हो सकता है, वो काम और डिफरेंट तरीके की कंप्यूटेशनल चीजें करने का हो सकता है, या अपने सर्वर्स बनाना हो सकता है। पहले के जमाने में कंपनीज क्या करती थी, खुद के कंप्यूटर सिस्टम लेकर आती थी, उन्हें मेंटेन करती थी, पर आज की डेट में आप ऑनलाइन कंप्यूटर सिस्टम्स को रेंट कर सकते हैं अपने काम करने के लिए, और जितना भी आप उनको यूज करते रहते हैं उतना आप उनका रेंट पे कर सकते हैं। तो इनको हम क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज कहते हैं, और AWS ऐसी ही सर्विसेज देता है छोटे स्टार्टअप से लेकर बड़ी बड़ी फॉर्च्यून 500 कंपनीज को। आज की डेट में बहुत सारी कंपनीज हैं जो AWS को यूज करती हैं, विच इंक्लूड्स हमारा फेसबुक हो गया, या खुद अमेज़न हो गया, Airbnb हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, एंड और भी बहुत सारी। देयर इज अ सर्वे जो 2020 में कंडक्ट हुआ था, जिसने कहा था कि दुनिया के अंदर 92% जो लाइव वेबसाइट्स हैं वो AWS को यूज करती हैं अपनी होस्टिंग करने के लिए। तो इतना बड़ा इंपैक्ट है वर्ल्ड वाइड AWS का। यही रीजन है कि बहुत सारे जो लोग होते हैं वो AWS को यूज करते हैं, उसके सर्टिफिकेशंस लेते हैं, एंड उसके बाद जिन कंपनीज को सर्टिफाइड AWS प्रोफेशनल्स की जरूरत होती है वहां पर जाकर वो अप्लाई करते हैं। तो एक तरीके से ये ग्लोबल क्लाउड प्लेटफॉर्म है जिस पर आप अपनी सर्विसेज को होस्ट कर सकते हैं, प्लस उनको मैनेज कर सकते हैं। अब AWS की जो ऑफिशियल डेफिनेशन है वो कुछ ऐसी है जो आपको दिख रही होगी। अब AWS इतना पॉपुलर क्यों हुआ, इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, जिनमें से मुझे वन ऑफ द टॉप रीजंस ये लगते हैं कि सबसे पहला AWS क्लाउड कंप्यूटिंग की जो पूरी इंडस्ट्री है उसमें सबसे पहला प्लेयर था। यही रीजन है कि आज की डेट तक वो सबसे जो मेजर क्राउड है उसको होल्ड करके रखता है इसके अंदर। एंड सेकंड, ये एक पे एज यू गो मॉडल यूज करते हैं अपनी पेमेंट्स के लिए। इसका क्या मतलब है, इमेजिन करिए कि आपको एक बस की राइड करनी है, आपको पॉइंट ए से, मतलब अपने घर से मान लीजिए पोस्ट ऑफिस तक, या अपने स्कूल तक, या अपने ऑफिस तक जाना है, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, या तो आप अपनी एक बस खरीद सकते हैं, बस को आप मेंटेन करें, उसकी सफाई करें, उसमें फ्यूल डलवाएं और फिर उसको ड्राइव करके लेकर जाएं, या फिर आप एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाली बस यूज कर सकते हैं जिसको ना आपको खरीदना पड़ेगा, ना आपको उसकी सफाई करनी पड़ेगी, ना आपको उसे चलाना पड़ेगा, और ना ही आपको उसमें फ्यूल डलवाना पड़ेगा। बस आपको जितने टाइम तक आप उसमें ट्रैवल करेंगे उसका एक टिकट का प्राइस होगा जो आपको देना पड़ेगा। कुछ वैसा ही सिस्टम होता है AWS के पेमेंट मॉडल में, जिसमें आप उसको यूज करते हैं जितने टाइम तक उतना ही आपको पे करना पड़ता है, रेस्ट ऑफ द टाइम जब आप उसकी सर्विसेज को नहीं यूज कर रहे तब आपको उस टाइम के लिए पे नहीं करना पड़ता। तो ऐसे ही कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से अगस्त 2020 तक 400,000 से ज्यादा लोगों के पास AWS का सर्टिफिकेशन था। अब AWS को सीखना, उसे यूज करना कैसे शुरू करना चाहिए, इसके लिए बात करते हैं हम एक 3-स्टेप प्रोसेस की। इसमें से सबसे पहला प्रोसेस है कि आपको अपना एनवायरनमेंट सेट करना पड़ेगा, मतलब अपने कंप्यूटर में कुछ ऐसे चेंजेस करने पड़ेंगे जिसके बाद आप AWS पर डेवलपमेंट शुरू कर पाएंगे, प्लस आपको अपना AWS का अकाउंट सेटअप करना पड़ेगा। तो अगर आप शुरुआत से अकाउंट बना रहे हैं, एक बिगिनर हैं और ज्यादा सर्विसेज यूज नहीं कर रहे, तो AWS आपको एक फ्री टियर सर्विसेज देता है जिसमें आपको कोई चार्ज नहीं पे करना पड़ता, ये कंप्लीटली फ्री होता है। तो कहां पर जाकर आपको अपना अकाउंट सेटअप करना है, प्लस कुछ ट्यूटोरियल जो आपको हेल्प करेंगे अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर इस एनवायरनमेंट को सेटअप करने के लिए। अब कुछ ऐसे रिसोर्सेज जो आपको हेल्प करेंगे अपना एनवायरनमेंट सेटअप करने में, प्लस अपना अकाउंट बनाने में, उसके लिए मैंने कुछ लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रखे हैं। उसके बाद स्टेप नंबर 2 है AWS मैनेजमेंट कंसोल के बारे में सीखना। आपने AWS के साथ एक अकाउंट बना लिया, उसके साथ आपने सर्विसेज सेटअप करना शुरू कर दिया। अब इन सर्विसेज को मॉनिटर करने के लिए, इनको कॉन्फ़िगर करने के लिए, मतलब आप कौन से कंप्यूटर्स को यूज कर रहे हैं, उनमें ऑपरेटिंग सिस्टम किस टाइप का है, कितनी आपको सर्विसेज यूज करनी है, किस किस तरीके से यूज करनी है, जो भी आप कंप्यूटर्स, ऑनलाइन कंप्यूटर्स जिनको हम इंस्टेंसेस कहेंगे, उन इंस्टेंसेस का आपका रीजन कौन सा है, ये सारी चीजें, प्लस आपके अकाउंट के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है, इन सबको चेंज करने के लिए, मतलब मॉडिफाई करने के लिए या देखने के लिए हम मैनेजमेंट कंसोल का यूज करते हैं। तो मैनेजमेंट
कंसोल को कैसे यूज करना है उसका भी स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल के लिंक्स मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिए हैं। और थर्ड स्टेप होगा AWS क्लाउड डेवलपमेंट किट यानी CDK के बारे में सीखना। मतलब ये है कि क्लाउड पर जितनी भी सर्विसेज हैं, जो भी कंप्यूटर्स आप या सर्विसेज आप यूज करना चाहते हैं, उनमें क्या क्या चेंजेस आप अपनी कंपनी के हिसाब से लाना चाहते हैं, उसके लिए हम डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज कर सकते हैं, जैसे TypeScript, JavaScript, Python, Go, C# या Java। तो इन लैंग्वेजेस को यूज करके आप अपनी जो सर्विसेज हैं उनको डिफाइन कर सकते हैं एंड फिर उनको आगे यूज कर सकते हैं। अब नीचे मैंने आपके साथ एक ऐसा लिंक शेयर किया है जिसको यूज करके आप अपना AWS CLI जो है उसको सेटअप कर सकते हैं, अपना पहला इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको आप बनाएंगे, अपना पहला प्रोजेक्ट CDK की हेल्प से जिसको आप बनाएंगे उसको आप डिप्लॉय कर सकते हैं। तो मैं आपको काफी सजेस्ट करूंगी, अर्ज करूंगी कि वहां पर जाकर आप चीजें एक्सप्लोर करें, थोड़ा सा खुद से हैंड्स ऑन कोडिंग करके उसको यूज करने की कोशिश करें। अब इसके साथ साथ मैं बिगिनर्स को कुछ टिप्स देना चाहूंगी कि जब भी हम AWS के साथ डेवलपमेंट की शुरुआत कर रहे हैं तो शुरुआत में हमें बहुत सारी सर्विसेज मिलेंगी प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो मेरी टिप ये रहेगी कि शुरू में हम उन सर्विसेज को चलाना बहुत अच्छे से सीख लें जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होती है। जैसे एक स्टार्टअप परस्पेक्टिव से जब भी आप एक AWS का सर्टिफिकेशन लेंगे या कुछ भी उसके अंदर सीखेंगे और आप एज एन AWS आर्किटेक्ट या एज अ सॉल्यूशन इंजीनियर कहीं पर अप्लाई कर रहे हैं और आपके पास AWS सर्टिफिकेशन है, तो वहां पर जो जो सर्विसेज सबसे ज्यादा यूज होंगे अगर उनके साथ आपकी फेमिलियरिटी बहुत अच्छी है तो फिर आपको हेल्प करेगा वो काम करने में। अब कौन सी सर्विसेज सबसे ज्यादा यूज होती है, इनमें से सबसे पहला नाम है AWS EC2 का, जो बेसिकली एक ऑनलाइन कंप्यूटर है जिसको आपने रेंट पे ले लिया है, जिसके अंदर आप अपनी डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज को, डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं। दूसरा हो गया हमारा S3 करके, तो AWS S3 के अंदर हमारा जो भी डेटा होता है हम उसको स्टोर कर सकते हैं। और तीसरा हो गया Amazon RDS यानी रिलेशनल डेटाबेस सर्विस, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे डेटाबेस इंजन होते हैं वो सपोर्ट होते हैं, इंक्लूडिंग SQL, इंक्लूडिंग Postgres SQL। तो ये बहुत ज़्यादा फेमस हैं जब भी हम रिलेशनल डेटाबेसिस की बात करते हैं। आप कोई भी सर्विसेज, कोई भी स्टार्टअप बनाना चाहते हैं जिसमें आप रिलेशनल डेटाबेस यानी SQL का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो पूरा का पूरा प्रोसेस आप ऑनलाइन शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये तीन सर्विसेज मैं आपको रिकमेंड करूंगी अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं और बिल्कुल शुरुआत से सीखना चाह रहे हैं, तो इन तीनों को सबसे पहले आप एक्सप्लोर करें। इसके अलावा अगर AWS सर्टिफिकेशंस के बारे में आप कुछ और जानना चाहते हैं कि कितना फ़ायदा होता है उन्हें यूज़ करने का, या फिर कहाँ कहाँ हमें रेज्यूमे के अंदर उनको पुट करना चाहिए, या और भी कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन, तो उसके बारे में आप मुझे नीचे कॉमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।